नमस्कार, इस वक्त जनपद सीतापुर की रामपुर मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं माननीय राकेश राठौर सांसद, जो कि इंडिया गठबंधन के हैं और प्रथम बार जो है आगमन रामपुर मथुरा हुआ है और जोरदार यहां पे कार्यकर्ता और जनता ने स्वागत किया है। जानने का प्रयास करेंगे कि यहां पे प्रथम बार आगमन हुआ है, क्या कुछ कहना, रामपुर मथुरा में आज प्रथम बार आपका आगमन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जनता के लिए? सबका प्यार आशीर्वाद सहयोग मेरे साथ रहा और मैं बहुत कम समय इस क्षेत्र में दे पाया चुनाव से पूर्व। सब लोग अपने आप में राकेश राठौर बन के ये चुनाव लड़े और यहाँ पे हमारे जो विधायक जी हैं पूर्व, उनका, सभी कार्यकर्ताओं का, सबका आभार धन्यवाद देने हम लोग आए थे। आज वही कन्हैया जी के विद्यालय में वही धन्यवाद कार्यक्रम था। लोगों को, क्षेत्र के लोगों को आभार प्रकट करने हम लोग आज यहाँ। बाढ़ प्रभावित जो आखिरी अंगरौरा, दर्जनों गांव ऐसे हैं जो हर साल जो है डूब जाते हैं, कई लोग जो है बंधे पर रहने को मजबूर होते हैं, क्या कहेंगे इसमें? बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये प्रतिवर्ष जो बार बार जो खाना पूर्ति होती है इस पर रोक लगे। हम सदन में सवाल भी डाले हैं और संबंधित मंत्री को भी लिखे हैं कि इसका स्थायी समाधान हो। क्षेत्रीय किसानों, अधिकारियों और हम लोगों के साथ एक समन्वय समिति बने जो क्षेत्र का भ्रमण करके वास्तविक क्या इसका निस्तारण हो सकता है उसके ऊपर प्रयास करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती का जो अभी फिलहाल मामला चल ही रहा है, क्या कहेंगे? ये योगी सरकार की बदनीति का फैसला है और जिस तरीके से बदनीति करके उन्होंने लोगों के अधिकारों के साथ हनन किया वो पर्दाफाश हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनके खिलाफ टिप्पणियां की हैं, इनके जब अगर नैतिकता होती तो इनको इस्तीफा देना चाहिए था और जो कुछ इन्होंने उसमें काले कारनामे दिखाए थे सब उजागर हुए हैं। लगातार लूट और चोरी, जैसे कि बीजेपी का लगातार कहना था कि 12 बजे महिलाएं निकल सकती हैं जेवर पहन करके, यहाँ पे तो दिन दहाड़े पुरुष घर से निकलने को मुश्किल है, क्या? पूरी तरीके से झूठे हैं, झूठ और लफाजीपन की बातें करते हैं। लोगों का जीना हराम है, रात रात भर लोग जग रहे हैं, चोरियों को लेकर बेहद परेशान हैं। बड़ी चोरियाँ हैं क्षेत्र के अंदर, पुलिस प्रशासन के लोग मस्त हैं और दलाली का सारे दिन दलाली में लिप्त हैं। धन्यवाद। जिन बाबू भी मौजूद हैं और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, पहले तो जानना चाहेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो बार बार समस्याएं आती, हर वर्ष समस्याएं आती हैं, समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? अब इस वक्त जिस वक्त ये बाढ़ आती है उसी वक्त निराकरण का सरकार सोचती है, जबकि होना ये चाहिए कि जब बाढ़ न हो उस वक्त अगर उसका कार्य कराया जाए तो उसका लाभ मिल सकता है, और जब पानी आ ही गया, कटान शुरू ही हो गया, तो जो भी उसमें कोई चीज़ डाली जाती है बोरी में बालू भर के और जंगल वो लगा के, त्यूड़िया लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो, लगा के डाल लगा के ये सब लगाते हैं, तो ये सब पहले हो जाए तो ठीक है, और अगर जिस वक्त बाढ़ आई है, कटान जारी है, तब होता है तो उसी में बह जाता है, एक तरफ काम हुआ दूसरी तरफ बह गया। तो लेकिन अब हम लोग, हमारे सांसद जी अब आए हैं, बैठ पाए हैं, अब संसद में जाके इस बात को उठाएंगे और इसकी कार्ययोजना बनवाने के लिए वो प्रयास करेंगे पूरा, जब हमको अवसर मिलेगा तो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। रामपुर मथुरा अक्सर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार और घोटाले में जो है मशहूर है, सुर्खियों में बना रहता है, क्या कहना? अब भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचार करेंगे ही, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम हम लोग करेंगे और जनता करेगी। जिस दिन भ्रष्टाचारियों को ये जनता भगा लेगी उसी दिन से ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, स्टॉप कर लो सांसद।